मॉर्निंग मैम। लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हेमरेजिक सीवीए। हेमरेजिक सीवीए, ओके। सो वो हमारा लास्ट टॉपिक हो गया। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ जस्ट अ सेकंड। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज गुलियन बेयर सिंड्रोम, दैट इज जीबी सिंड्रोम। गुलियन बेयर सिंड्रोम, जी यू आई डबल एल ए आई एन, गुलियन बी ए डबल आर ई, बेयर सिंड्रोम। नोट्स आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी। तो टुडेज टॉपिक इज गुलियन बेयर सिंड्रोम। तो आप सबने फर्स्ट ईयर में नर्वस सिस्टम पढ़ा है, न्यूरॉन्स पढ़े हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। जब आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो स्ट्रक्चर में आपने सब चीजें पढ़ी है, नोड ऑफ रेनवियर, माइलिन शीथ, एक्सन क्या होता है, टेल क्या होता है, लेयर ऑफ माइलिन, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो जो हमारा जीबी सिंड्रोम होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड मतलब ऑलरेडी उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। हमारे जैसे सारे बॉडी सिस्टम्स हैं, जितने भी हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे प्लूरा प्लूरा जो होती है वो हमारे लंग्स की लेयर होती है, फिर कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे किडनीज की लेयर होती है। इसी तरीके से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है दैट इज माइलिन, माइलिन शीथ। जो हमारी माइलिन शीथ होती है वो हमारे न्यूरॉन्स की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो हमारे माइलिन्स को वी कैन, हमारे न्यूरॉन्स को वी कैन से माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, फाइन। तो गुलियन बेयर सिंड्रोम इज अ डिजीज कंडीशन और इज अ सिंड्रोम ऑफ नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स। तो व्हाट इज गुलियन बेयर सिंड्रोम, और वी कैन से इज लैंड्रीज पैरालिसिस, एल ए एन डी आर वाई apostrophe s, Landry's paralysis. It is a disorder in which the body's immune system attack parts of the peripheral nervous system. यानी कि हमारे जो peripheral nervous system होता है, एक तो हमारा central nervous system होता है जो हमारी body को control करता है, एक हमारा peripheral nervous system होता है जो associated होता है। Associated मतलब हमारे extremities को control करता है, spinal nerves को control करता है, हमारे जितने भी functions होते हैं body के, respiration हो गया, फिर बावल मूवमेंट्स हो गया, बावल कंट्रोल हो गया, फिर यूरिनरी कंट्रोल हो गया, या फिर ब्लैडर मूवमेंट हो गया, ब्लैडर कंट्रोल हो गया, ये सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज एसोसिएटेड नर्वस सिस्टम, वो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अभी जीबी सिंड्रोम क्या है? इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स, यानी कि दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून मीन्स व्हेन आर ओन बॉडी इज किलिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग द ओन बॉडी सेल्स एज द फॉरेन बॉडीज। यानी कि व्हेन देयर इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इट मीन्स व्हेन आर ओन इम्यून सिस्टम और आर ओन इम्यूनिटी इज अटैकिंग आर ओन एंटीबॉडीज। नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम का प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बाहर से एंटीजन्स आ रहे हैं, वो एंटीजन केमिकल्स हो सकते हैं, वो एंटीजन आपके माइक्रोबैक्टीरियाज हो सकते हैं, वो फंगाई हो सकता है, किसी भी तरीके का एंटीजन जो हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना या उसको किल करना, किल करने का काम होता है एंटीबॉडीज का, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहती हैं। जैसे सिनेरियो अभी क्या चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी सबको इम्यूनाइजेशन हो रहा है, सबको कोरोना की डोजेस दी जा रही हैं। वो क्या कर रही हैं, बॉडी में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पर ही बहुत सारा इम्यूनाइजेशन होता है, डीपीटी के टीके लगते हैं, फिर आपको पोलियो की वैक्सीन लगती हैं, ये सारी सारी वैक्सीन आपको ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिनको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा क्या काम करता है, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं या फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं और डेंजरस इफेक्ट करने वाले हैं, उसको उसके अगेंस्ट लड़ना। बट ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब ये एंटीबॉडीज बाहर से आने वाली चीजों की बजाय अपने ही बॉडी के सेल्स को डैमेज करना, उनको हार्मफुल बना देना का काम करती हैं, दैट सिस्टम इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो जीबी सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक्स पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज, जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। इट इज एन एक्यूट
progressive autoimmune inflammatory demyelination of polyneuropathy. That means इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है. It is acute. Acute means suddenly. क्योंकि जो भी हमारा autoimmune disorders होते हैं वो sudden disorders होते हैं. Acute disorder, progressive disorder. Progressive मतलब धीरे 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 ये progress करता है. इस medicine के साथ भी ज्यादातर इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे नर्वस सिस्टम, जब मैं आपको नर्वस सिस्टम मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि हमारा नर्वस सिस्टम इज द ओनली सिस्टम इन आवर बॉडी विच इज डीजनरेटिव. यानी कि अगर एक बार उसके अंदर कोई भी डैमेज हो गया तो वो रीजनरेट अपने आप को नहीं कर सकता. तो इट इज एन एक्यूट प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन. डीमाइलिनेशन मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स प्रोटेक्टिव हैं, वो शीथ जो है वो डैमेज होने लगती है. यानी कि जो माइलिन है उसका डीमाइलिनेशन होने लगता है, वो प्रोग्रेसिवली डीमाइलिनेटेड होनी शुरू हो जाती है. तो दैट कंडीशन इज नोन एज जीबी सिंड्रोम. डेफिनेशन समझ में आ गई. इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द बॉडीज इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है, that attacks the part of peripheral nervous system. It is an acute progressive autoimmune inflammatory demyelination of the neurons. Inflammatory demyelination of the neurons. यानी के जो neurons हैं उनकी जो myelin sheath है वो damage हो रही है, और damage होने के बाद जो neurons के parts बच रहे हैं उसके अंदर inflammation हो रही है. That is known as GB syndrome or Landry's paralysis. Now, incidences किसको सबसे ज्यादा होता है, कितने cases per year आते हैं? Only 1 to 2 cases per 1 lakh people annually. यानी कि आप समझ सकते हो कि this is a very rare condition, but it is very, very, very dangerous condition. तो 1 lakh people में, 1 lakh group में एक या दो ही patients मिलते हैं GB syndrome के. And men are 1.5 time more likely to be affected than women. Men जो हैं वो ज़्यादा affected होते हैं, women कम affected होती हैं. It is the most common cause of acute non-trauma related paralysis in the world. Trauma related paralysis means किसी को head injury हो गया, accident हो गया, या फिर shock की वजह से, या किसी भी neuropathy की वजह से patient को अगर paralysis हो गया, तो that is trauma related paralysis. And the this GB syndrome is the only cause, and it is the most common cause of acute non-trauma related paralysis. क्योंकि trauma तो कुछ है ही नहीं, कोई भी मतलब disease condition नहीं हुई है, किसी भी तरीके का कोई accident नहीं हुआ, किसी भी तरीके का कोई tumor नहीं है, but due to हमारी body खुद ही अपनी body के cells को damage कर रही है, खुद ही अपने neurons को damage कर रही है, उसकी वजह से डीमाइलिनेशन हो रहा है. सो दिस इज नॉन ट्रॉमा रिलेटेड पैरालिसिस इन द वर्ल्ड. द सिंड्रोम इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच फिजिशियन जॉर्ज गुलियन एंड जीन अलेक्जेंडर बेयर, एंड सो हु डिस्क्राइब्ड इट 1916. यानी कि 1916 में सबसे पहला केस जो मिला था वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच फिजिशियंस थे, जॉर्ज गुलियन एंड जीन अलेक्जेंडर बेयर. तो उन्हीं के नाम पर ये गुलियन बेयर सिंड्रोम को आइडेंटिफाई किया जाता है. तो इंसिडेंसेस क्या है, ओनली 1 or 2 केसेस पर 1 lakh पीपल एनुअली. देन मेन आर मोर अफेक्टेड देन विमेन. इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट नॉन ट्रॉमा रिलेटेड पैरालिसिस इन द वर्ल्ड. तो दीज आर द इंसिडेंसेस. देन आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन पे. इसके कॉज अननोन होंगे, इडियोपैथिक होंगे, कॉजेस तो पता ही नहीं है किस वजह से होता है, बट द मेन कॉजेस इट इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. तो causes का है ऑटो इम्यूनिटी. देन क्लासिफिकेशंस इसकी कई सारी हैं. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, दैट इज नोन एज AIDP. एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी. न्यूरोपैथी मीन्स डैमेज टू द नर्वस सिस्टम और डैमेज टू द न्यूरॉन्स. पॉलीन्यूरोपैथी मीन्स द डैमेज इन द सो मेनी नंबर ऑफ neurons. So this is a most common type of classification, and this is the immune system which is response of Schwann cells. So matlab jo Schwann cells hote hain brain ke andar, jo nervous system neurons ke andar Schwann cells hote hain, unka jo damage hai ya unke andar jo autoimmunity ho rahi hai uski wajah se ye zyada hota hai.
तो एक्यूट इंफ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जीबी सिंड्रोम विच इज बीइंग कॉज्ड बाय अगेंस्ट रिस्पॉन्स ऑफ और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेजवॉर्म सेल्स, यानी कि हमारी बॉडी में आपके जो जैसे आप न्यूरॉन्स वो पढ़ते हो, न्यूक्लियस पढ़ते हो, जो आपकी सेल पढ़ते हो, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, फिर एक गॉल्गी अपैरेटस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है, ये सारी चीज़ें हमारे सेल के अंदर बनती हैं। अब सेल के अंदर ये सारी चीज़ें अगर ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट करने लग जाए, एक दूसरे से झगड़ने लग जाए तो क्या होगा? अगर गॉल्गी अपैरेटस क्रोमोसोम्स को बोल रहे हैं आप यहाँ नहीं रह सकते हो, आप सेल से बाहर निकलो, तो वो क्या करेगा? अपने ही सेल्स को डैमेज, अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। जब अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स डैमेज होने लगेंगे तो इट विल नाउ अफेक्टिंग द होल सेल। तो यही हो रहा है इसके अंदर, जो हमारे शेजवान सेल्स हैं ब्रेन के अंदर, वो माइलिन, जो माइलिन शीथ है उसको प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उसको मेंटेनेंस का काम करते हैं। शेजवान सेल्स हमारे माइलिन को मेंटेनेंस का काम करते हैं, जहां भी थोड़ा डैमेज हुआ, रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर कर देंगे, अदरवाइज वो डैमेज ही रह जाता है। तो ये शेजवान सेल्स का काम होता है कि हमारे जो माइलिन शीथ है उसको मेंटेन करके रखना, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखना, और किस तरीके से वो हमारे न्यूरॉन्स के साथ में अटैच हो रही है उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखना। तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी कब होता है? जब ये शेजवान सेल्स ही अगेंस्ट में काम करने लगते हैं, यानी कि उनका काम क्या था? प्रोटेक्शन था, माइलिन शीथ का प्रोटेक्शन था, बट अभी क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन की बजाय वो उसको ही किल करना शुरू कर रहे हैं। तो दैट कंडीशन इज नोन एज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। देन सेकेंड आता है, सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपका मिलर फिशर सिंड्रोम, MFS, MILLERFISHER, फिशर सिंड्रोम। मिलर फिशर सिंड्रोम इज अ वेरी रेयर वेरियंट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, वैसे ही हमारा जो जीबी सिंड्रोम होता है वो बहुत रेयर कंडीशन है, 1,00,000 केसेस में, मतलब अगर आपने 1,00,000 का पॉपुलेशन इकट्ठा किया उसमें 1 या 2 कैंडिडेट्स ही निकलते हैं जीबी सिंड्रोम के, उसमें भी मिलर फिशर सिंड्रोम और भी ज्यादा रेयर है। एंड दिस इज मैनिफेस्टेड एज डिसेंडिंग पैरालिसिस, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है बट वेरी डेंजरस, बहुत रेयर कंडीशन होती है मिलर फिशर सिंड्रोम बट बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों? क्योंकि दिस इज द ओनली डिजीज कंडीशन जो डिसेंडिंग पैरालिसिस है, मतलब सबसे पहले ये अफेक्ट करेंगे आईज को, आईज के बाद प्रोग्रेशन होगा फेस, फेस के बाद प्रोग्रेशन होगा शोल्डर, शोल्डर्स के बाद प्रोग्रेशन होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में ये अफेक्ट करेगा कार्डियक सिस्टम, फिर धीरे 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 ये डिसेंड करता है पैरालिसिस। डिसेंड मतलब सबसे हेड से शुरू होगा, फिर नीचे टोज तक पैरालिसिस हो जाएगा। जब मैं मास्टर्स कर रही थी, फर्स्ट ईयर मास्टर्स में थी, हम लोग को ESIC हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए भेजा था, तब मैंने एक जीबी सिंड्रोम का केस देखा था, और वो इतना, वो ज़्यादा कोई वो नहीं था, एडल्ट कोई था नहीं, वो सिर्फ 15 इयर्स का एक बच्चा था, और वो 15 इयर्स का बच्चा इतना परेशान था, इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है पेशेंट, तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि जीबी सिंड्रोम इज वेरी डेंजरस कंडीशन। इसमें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किसी पेशेंट को कितना सीवियर पेन हो सकता है। जब जब उसको एडमिट किया था तो ऑलरेडी उसको हाफ पैरालिसिस हो चुका था, हाफ पैरालिसिस मतलब उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, कोग्निशन नहीं हो रहा था, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था चीजों का, अपने ही फैमिली मेंबर्स को वो नहीं पहचान रहा था, फिर उसको सीवियर हेडेक हो रहा था। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो धीरे 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 डे बाय डे, इवन डे बाय डे उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जैसे हम फर्स्ट डे हम लोगों ने उसका असेसमेंट किया, उसको हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, वो बात नहीं करना चाहता है किसी से भी, इरिटेशन हो रहा है, फिर मूड स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, उसके मूड इतने चेंजेस हो रहे थे। फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग, क्योंकि हम लोग अपनी शिफ्ट खत्म करके घर वापस आ गए, नेक्स्ट डे जब हम गए पता चला, उसको दोबारा असेस किया हम लोगों ने, जाके हिस्ट्री कलेक्शन किया, तो पता चला कि आज वो देख नहीं पा रहा है, उसको विजन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस पेशेंट को विजन प्रॉब्लम्स होने लगी थी, फिर वो आई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था इजीली, उसकी आईज में सीवियर पेन था। फिर नेक्स्ट डे ऐसे धीरे धीरे करते करते मतलब 10 डेज के अंदर अंदर वो पेशेंट हैज डाइड, 10 डेज के अंदर अंदर, तो इतनी सीवियर कंडीशन होती है। सो मिलर फिशर सिंड्रोम इज अ वेरी रेयर वेरियंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैनिफेस्टेड एज अ डिसेंडिंग पैरालिसिस, यानी कि बॉडी में धीरे धीरे फ्रॉम हेड टू टो द पैरालिसिस विल डिसेंड डाउन टू द टोज, देन यूजुअली अफेक्ट्स द आई मसल्स फर्स्ट,
then present with the triad of ophthalmoplegia, ataxia and areflexia. Ophthalmoplegia मतलब ophthalmoplegia मतलब ear pain patient को होगा. तो सबसे पहले क्या चीज affect होगी इसकी? ब्रेन अफेक्ट होता है. ब्रेन के बाद मसल, आई मसल्स अफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से आई मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, आई विजन में प्रॉब्लम होती है, आई पेन होता है. फिर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया मींस आईज में सीवियर पेन होगा पेशेंट को, आई मूवमेंट नहीं होगा. फिर एटेक्सिया, मैं एटेक्सिया ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ मूवमेंट डिसऑर्डर्स में. देन एरिफ्लेक्सिया, एरिफ्लेक्सिया का मतलब है कि पेशेंट वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम्स और प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स टूवर्ड एनी स्टिमुलाई. स्टिमुलाई हम पेशेंट को क्या देते हैं, जैसे आई मूवमेंट्स हम लोग चेक करते हैं ना, टॉर्च लाइट लगा के देखते हैं, तो जैसे टॉर्च पास आती है प्यूपिल्स जो होते हैं वो डायलेट होने लगते हैं. फिर जैसे ही आप टॉर्च लाइट को थोड़ा दूर करोगे तो प्यूपिल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं. तो दिस इज आई मूवमेंट और दिस इज रिफ्लेक्शन, और वी कैन से दिस इज द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलाई वी आर प्रोवाइडिंग टू द पेशेंट. तो पेशेंट को यूजुअली सबसे पहले आई मसल डैमेज होता है, उसके बाद ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है यानी आई पेन होगा पेशेंट को, देन एटेक्सिया होगा. एटेक्सिया मीन्स एबनॉर्मल मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन खत्म होने की वजह से पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. देन एरिफ्लेक्सिया, एरिफ्लेक्सिया मीन्स पेशेंट वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शंस टुवर्ड्स एनी स्टिमुलाई. अगर स्टिमुलाई नहीं दे रहे तो पेशेंट वोंट बी एबल टू मूव, उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो खत्म हो जाते हैं. तो दिस वॉज द सेकेंड क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्या था आपका, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी दैट इज AIDP. सेकेंड है आपका मिलर फिशर सिंड्रोम. देन थर्ड आता है आपका एक्यूट मोटर एक्सन न्यूरोपैथी, AMAN, एक्यूट मोटर एक्सॉन न्यूरोपैथी. तो आपको मालूम है हमारे दो फंक्शंस होते हैं, मोटर फंक्शंस और हमारे सेंसरी फंक्शंस. तो मोटर फंक्शंस में क्या होता है कि जब किसी भी तरीके का हम स्टिमुलस देते हैं, जैसे सपोज आप जहाँ पर टेबल, जो टेबल चेयर के पास में आप लोग बैठ के अपनी क्लासेस लेते हो, वहां पर सपोज किसी ने एक पिन छोड़ दिया गलती से, आपको वो पिन उंगली में प्रिक कर गया, वो पिन आपको जैसे ही फिंगर में प्रिक हुआ आप फटाफट से वहां से तुरंत अपना फिंगर हटा लोगे. तो वो क्या है आपका, मोटर रिफ्लेक्सेस हैं वो आपके. जब आप फिजिकली कोई रिफ्लेक्शन देते हो या जब फिजिकली आप कोई एक्शन देते हो तो दैट इज नोन एज मोटर रिफ्लेक्शन. और जब वर्बली या फिर आप सेंसरी रिफ्लेक्शंस देते हो, जैसे सपोज आपको बोला गया है आपके एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स के बाद में आपका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में जिन लोगों ने अच्छा किया उनके रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, दे सीम टू बी वेरी हैप्पी और समटाइम्स दे आर नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, समटाइम्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे. तो देयर रिफ्लेक्सेस आर बीइंग शोन ऑन द फेस. तो जो भी उनके इमोशंस हैं, अगर किसी को मार्क्स अच्छे नहीं मिले, काफी अच्छे से मेहनत करी है मार्क्स अच्छे नहीं मिले, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां जो होती हैं वो रोने लगती हैं या फिर कि मैंने इतनी मेहनत करी थी और मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले. तो दीज आर द सेंसरी, जो भी सेंसरी रिफ्लेक्सेस हैं आपके. तो एक्यूट मोटर एक्सियल न्यूरोपैथी में क्या होता है, एक्सियल मोटर न्यूरोपैथी में क्या है कि पेशेंट के जितने भी सारे फिजिकल सिस्टम्स हैं या फिजिकल रिफ्लेक्सेस हैं वो डैमेज हो जाएंगे. उनके जो जिनकी वजह, जिन मोटर न्यूरॉन्स की वजह से, जिन न्यूरॉन्स की वजह से पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी करने में इजी हो रहा था, वो सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट वोंट बी एबल टू परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटीज. ही और शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ही और शी कैन नॉट टॉक प्रॉपरली, वो उनको चलने में प्रॉब्लम होगी, बैठने में प्रॉब्लम होगी, बात करने में प्रॉब्लम होगी, दे वोंट बी एबल टू से एनी वर्ड ऑल्सो. एपैथी हो सकता है पेशेंट को. तो दैट इज नोन एज एक्यूट मोटर एक्सियल एक्सोनल न्यूरोपैथी, ऑल्सो नोन एज चाइनीज पैरालिटिक सिंड्रोम एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द नोड ऑफ रैनवियर. नोड ऑफ रैनवियर मतलब जो दो हमारे नोड्स होते हैं ना, उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, दैट गैप इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर. तो इसके अंदर, द नोड ऑफ रैनवियर के अंदर जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से द कंडीशन इज एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी एंड ऑल्सो नोन एज चाइनीज पैरालिटिक सिंड्रोम, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिवेलेंट है चाइना में एंड मैक्सिको में. इंडिया में या अदर वर्ल्ड में, अदर कंट्रीज में इसके केसेस नहीं मिलते हैं, ओनली केसेज आर इन चाइना एंड मैक्सिको. दैट्स वाई इट इज नोन एज चाइनीज पैरालिटिक सिंड्रोम. देन फोर्थ इज एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी. लास्ट हमने क्या पढ़ा था, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर फंक्शंस डैमेज होते हैं. बट नाउ फोर्थ क्लासिफिकेशन इज एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, यानी कि अभी बोथ द सिस्टम्स आर गेटिंग अफेक्टेड. ना पेशेंट को किसी भी तरीके के
रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, मतलब पेशेंट को कोई भी फंक्शंस नहीं हो रहे, फिजिकल फंक्शंस भी नहीं हो रहे, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ही कैन नॉट टॉक प्रॉपरली, मसल कोऑर्डिनेशन नहीं है, मसल मूवमेंट्स नहीं है, पेशेंट वोंट बी एबल टू टेक फूड, पेशेंट वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, चलने में प्रॉब्लम, उठने में प्रॉब्लम, बात करने में प्रॉब्लम, इवन दे वोंट फ्लेक्स, उनके एक्सटेंशन फ्लेक्शन रोटेशन नहीं होगा, फिर पेशेंट को सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी भी हो रहा है. सेंसरी न्यूरो एक्सोनल न्यूरोपैथी का मतलब है कि पेशेंट के जितने भी कोग्निटिव फंक्शंस हैं, इंसाइट हो गया, जजमेंट हो गया, परसेप्शन हो गया, फिर पेशेंट को थिंकिंग हो गया, फिर कोग्निटिव जो भी हमारे एनालिटिकल पावर्स होते हैं, किस आईक्यू होता है, वो सब के सब डैमेज हो जाएंगे. तो हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि दैट इज अ चेयर, पेशेंट बोल रहा है नो दैट इज अ टेबल, दैट इज सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी, यानी कि पेशेंट का सेंसेस इतना काम ही नहीं कर रहा है कि ही कैन और शी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स और ही और शी कैन आइडेंटिफाई द वर्ड्स. तो दैट इज नोन एज एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल, विच इज ऑल्सो सिमिलर टू AMAN, दैट इज एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, एंड अफेक्ट्स द सेंसरी विद सेवरल एक्सोनल डैमेजेस. सेंसरी मीन्स जो आपके सेंसेज हैं, सेंसेज इन द सेंस कि पेशेंट वोंट बी एबल टू सी प्रॉपरली, विजन प्रॉब्लम होंगे, टॉकिंग प्रॉब्लम होगा, स्किन डैमेजेस होने लगेंगे, स्किन चेंजेस होने लगेंगे, पेशेंट को हियरिंग लॉस होगा, हियरिंग लॉस होने की वजह से पेशेंट को गेट मूवमेंट्स होंगे, गेट एबनॉर्मेलिटीज होंगी. तो ये होगा फोर्थ आपका होगा एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी. देन फिफ्थ है आपका एक्यूट पैन एनाटॉमिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, एक्यूट पैन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, एंड इट इज द मोस्ट रेयर वेरियंट ऑफ जीबी सिंड्रोम, समटाइम्स अकम्पनीड बाय एनसेफेलोपैथी. एनसेफेलोपैथी मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द brain tissues, that is encephalopathy. तो acute pan autonomic neuropathy का मतलब है, अभी अभी third and fourth क्या था आपका, आपका motor axonal neuropathy हो रहा था, फिर आपका motor sensory neuropathy हो रहा था. अभी इसके अंदर क्या है कि हमारे जितने भी systems हैं, आपका peripheral nervous system है, आपका central nervous system है, और फिर आपका autonomic nervous system है, जो भी सारे आपके systems हैं, वो सारे के सारे अभी damage हो जाएंगे. नॉर्मली जीबी सिंड्रोम में क्या अफेक्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बट पैन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके सारे सिस्टम्स अफेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी. तो इट इज द मोस्ट रेयर वेरिएंट ऑफ जीबी सिंड्रोम, समटाइम्स अकंपनीड बाय एनसेफेलोपैथी. एनसेफेलोपैथी मीन्स इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन टिश्यू. देन फ्रीक्वेंटली अकरिंग सिम्टम्स विच इंक्लूड योर इम्पेयर्ड स्वेटिंग, पेशेंट को इम्पेयर्ड स्वेटिंग हो जाएगा. इम्पेयर्ड स्वेटिंग में पेशेंट को या तो एक्सेसिवली स्वेटिंग होगा या स्वेटिंग ही नहीं होगा. देन लैक ऑफ टीयर फॉर्मेशन, पेशेंट को टीयर फॉर्मेशन नहीं होगा. फोटोफोबिया होगा, पेशेंट वोंट बी एबल टू बियर द लाइट, उसको जैसे ही वो धूप में जाने की कोशिश करेगा या लाइट होगा तो उसको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, स्किन बर्निंग होनी शुरू हो जाएगी, सेंसेशन ऑफ हीट होनी शुरू हो जाएगी पेशेंट को, दैट इज फोटोफोबिया. देन ड्राइनेस ऑफ नेजल एंड ओरल म्यूकोसा, क्योंकि पेशेंट को इम्पेयर्ड स्वेटिंग हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है या डिक्रीज एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट के जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होते हैं, जैसे टीयर फॉर्मेशन है, या फिर पेशेंट को नेजल फॉर्मेशन होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, या फिर ओरल म्यूकोसा जो है वो ड्राई हो जाएगी, फिर ड्राइनेस इन नेजल म्यूकोसा हो जाएगा. देन इचिंग एंड पीलिंग होनी शुरू हो जाएगी स्किन में, क्योंकि हम जो स्वेटिंग है वो क्या करता है, हमारे स्किन का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखता है, हमारे स्किन का जो नॉर्मल इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन करके रखता है. एंड इफ देयर इज इम्पेयर्ड स्वेटिंग, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, जो हमारी स्किन है वो डैमेज हो जाएगी. स्किन जब डैमेज हो जाएगी तो इट विल लीड टू डिक्रीज्ड इलास्टिसिटी एंड डिक्रीज्ड ह्यूमिडिटी इन द स्किन, विच लीड्स टू स्केलिंग ऑफ द स्किन और पीलिंग ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से इचिंग एंड पीलिंग ऑफ द स्किन होगा. देन नॉजिया होगा, डिस्पेजिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन इतना सीवियर होगा पेशेंट को कि वो दैट इज बींग अनरिलीव्ड बाई लैक्सेटिव्स ऑल्सो. आप पेशेंट को लैक्सेटिव्स भी प्रोवाइड कर रहे हो, एनिमा प्रोवाइड कर रहे हो, बट कॉन्स्टिपेशन वोंट बी रिजॉल्व, क्योंकि पेशेंट का बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हाथ में है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है. और समटाइम्स पेशेंट को डायरिया हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो ऑल्टरनेटिंग इट कैन बी अकम्पनीड बाय डायरिया. तो फिफ्थ क्या है आपका, एक्यूट पैन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, इसके दिस इज द मोस्ट रेयर वेरियंट ऑफ जीबी सिंड्रोम, समटाइम अकम्पनीड बाय एनसेफेलोपैथी. एनसेफेलोपैथी हो जाएगा पेशेंट को, और जब पेशेंट को एक्यूट पैन ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. सिम्टम्स आर इम्पेयर्ड स्वेटिंग, लैक ऑफ टीयर फॉर्मेशन,
photophobia, dryness of nasal and oral mucosa, itching and peeling of skin, nausea, dysphagia and constipation, or alternating accompanied by diarrhea. तो ये आपका हो गया fifth classification. और जो जब पेशेंट को ये सिंड्रोम स्टार्ट होता है, मतलब जस्ट स्टार्टिंग है, वन डे और टू डेज का स्टार्टिंग है, क्योंकि ये एक्यूट होता है, तो जैसे ही एक्यूट होता है, एक्यूट मतलब सडनली, जैसे ही स्टार्ट होगा तो सबसे पहले स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होते हैं, लेथर्जी होगा पेशेंट को, फटीक होगा पेशेंट को, हेडेक होगा, देन डिक्रीज्ड इनिशिएटिव्स विच आर लाइक इनिशिएटिव, मतलब पेशेंट वोंट बी एबल टू टेक इनिशिएटिव्स, कि उसको काम करने का मन नहीं होगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, खाना खाने का मन नहीं होगा, जस्ट उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो डिप्रेसिव 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 होती चली जाएगी. देन उसके बाद पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक लाइट हेडेडनेस होगा, पेशेंट जैसे ही पोजिशन चेंज करेगा उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, या डिजीनेस फील होगा पेशेंट को, ब्लर्ड विजन होगा, एबडोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, ड्राइनेस इन द आईज होगा, एंड डिस्टर्ब मिक्चुरेशन. तो ये जनरल साइन एंड सिम्टम्स हैं जो जब पेशेंट रिसेंटली अफेक्टेड है, यानी कि एक्यूटली अफेक्टेड है विद इन वन और टू डेज, तब ये सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं. तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, लेथर्जी होगा, फटीक होगा, हेडेक होगा, डिक्रीज्ड इनिशिएटिव्स होगा, देन ऑर्थोस्टैटिक लाइट हेडेडनेस होगा, ब्लड विजन, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ड्राइनेस ऑफ द आईज एंड डिस्टर्ब मिक्चुरेशन. तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट परसिस्ट करेगा. देन आते हैं आपके लास्ट क्लासिफिकेशन पर, दैट इज बिकरस्टाफ्स ब्रेनस्टेम एनसेफेलाइटिस. बिकरस्टाफ्स ब्रेनस्टेम एनसेफेलाइटिस, दैट इज बीबीई, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट ऑनसेट ऑफ ऑप्थेल्मोप्लीजिया, एटेक्सिया, डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया. तो व्हेन देयर आर फोर सिम्टम्स एसोसिएटेड, क्या क्या है वो फोर सिम्टम्स, ऑप्थेल्मोप्लीजिया दैट इज आई पेन, एटैक्सिया दैट इज एबनॉर्मल मसल कोऑर्डिनेशन, डिस्टर्बेंसेस इन कॉन्शियसनेस, पेशेंट वुड बी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया. अभी पेशेंट को ए रिफ्लेक्सिया हो रहा था, ए रिफ्लेक्सिया मीन्स पेशेंट के सारे रिफ्लेक्सेस जो थे वो डैमेज हो गए, बट यहाँ पेशेंट को हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रहा है. हाइपर रिफ्लेक्सिया मीन्स पेशेंट विल बी हैविंग अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स. तो हमारी जो भी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे किस तरीके से चलना है, कैसे बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, कितना पेस रखना है, किस पेस के साथ हमने आगे मूव फॉरवर्ड करना है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्सेस और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स. बट इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बीबीई, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट ऑनसेट ऑफ ऑप्थेल्मोप्लीजिया, एटैक्सिया, डिस्टर्बेंसेस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया. तो ये आपने ध्यान रखना है कि बाकी जो हमारे मिलर फिशर सिंड्रोम है, या फिर एक्यूट AMAN है, यानी कि एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी है, उसके अंदर पेशेंट को ए रिफ्लेक्सिया हो रहा है, बट BBE दैट इज बिकरस्टाफ्स ब्रेनस्टेम एनसेफेलाइटिस, इसके अंदर पेशेंट को ऑप्थेल्मोप्लीजिया हो रहा है, वो बाकी में भी हो रहा है, एटैक्सिया हो रहा है, वो बाकी और क्लासिफिकेशन में भी हो रहा है, एंड डिस्टर्बेंसेज ऑफ कॉन्शियसनेस वो भी बाकी सारे क्लासिफिकेशन में हो रहा है, बट बाकी सारे क्लासिफिकेशन में आपको ए रिफ्लेक्सिया हो रहा है, यानी कि पेशेंट के जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, बट बीबीई में पेशेंट को हाइपर रिफ्लेक्सिया हो रहा है. तो ये डिफरेंस है आपका बीबीई और अदर सारे जीबी सिंड्रोम्स में. तो ये दिस इज कैरेक्टराइज बाय एक्यूट ऑनसेट ऑफ ऑप्थेल्मोप्लीजिया, एटैक्सिया, डिस्टर्बेंसेज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया. एंड नाउ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बीबीई, लार्ज इरेग्युलर हाइपर इंटेंस लीजन्स लोकेटेड मेनली इन द ब्रेन स्टेम, यानी कि पेशेंट का जो ब्रेन स्टेम है, जहाँ से हमारे सारे न्यूरॉन्स, हमारे सारे आपके जो भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये सारे हमारे ब्रेन स्टेम से अराइज करते हैं. तो ब्रेन स्टेम के अंदर इरेग्युलर लार्ज हाइपर इंटेंस लीजन्स हो जाएंगे विदाउट एनी कॉज. कॉज तो कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि कॉज तो इडियोपैथिक है, बट अब इडियोपैथिक की वजह से, मतलब विदाउट कॉज हमारी बॉडी अगेंस्ट में रिएक्ट कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्रेन स्टेम के अंदर लीजन्स हो जाएंगे, स्पेशली इन द बोन्स, मिड ब्रेन एंड मिड्यूला, बोन्स, मिड ब्रेन एंड
मेड्यूला, ये रीजन है जहाँ बहुत लार्ज इरेगुलर इंटेंस लीजन्स होंगे. लीजन्स मीन्स वुंड लाइक वुंड टाइप्स. तो ये होता है हमारा बिकस्ट ऑफ ब्रेन स्टेम एंसेफेलाइटिस. नाउ कम्स टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि क्या क्या मोस्ट कॉमनली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. सबसे पहला होगा पेन. ऑब्वियस है पेन, क्योंकि ब्रेन में ब्रेन स्टेम के अंदर लीजन्स हैं. फिर एंसेफेलाइटिस हो रहा है पेशेंट को. फिर पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा. देन प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस. ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि जैसे ही जैसे जैसे पेशेंट का डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस करेगा फ्रॉम हेड टू टो, वैसे वैसे ही पेशेंट का मसल वीकनेस भी प्रोग्रेस होगा. देन डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि पेशेंट का जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के रिफ्लेक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे. देन प्रिकलिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन होगा फिंगर्स में, डिजिट्स में, टोज में, फेस पे, ईयर्स में प्रिकलिंग और टिंगलिंग सेंसेशन होगा. देन देयर विल बी लो ब्लड प्रेशर. देन पैरास्थीसिस होगा. पैरालिसिस और पैरास्थीसिस में मैंने आपको डिफरेंस बताया है. पैरालिसिस मीन्स एब्सेंस ऑफ सेंसेस. जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं, मूवमेंट के सेंसेस होते हैं, जो सेंसेस होते हैं हमारे, वो एब्सेंस ऑफ सेंसेस और लॉस ऑफ सेंसेस इज नोन एज पैरालिसिस. एंड पैरास्थीसिस मीन्स व्हेन देयर इज वीकनेस इन द सेंसेस और वीकनेस इन द मसल्स इज नोन एज पैरास्थीसिस. देन टेंडरनेस एंड मसल पेन, ये सारे आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं. उसके बाद आएगा मसल स्पाज्म, पैल्पिटेशंस होगा, हार्ट रेट चेंजेस होगा, पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है. देन स्वेटिंग अबनॉर्मलिटी होगा. देन कार्डियक डिसरिथमियाज होगा. न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी फेलियर होगा पेशेंट को. देन डिफिकल्टी इन आई मूवमेंट, फेशियल मूवमेंट, स्पीकिंग, स्वॉलोइंग, चूइंग, ये सारे के सारे आपके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं. एक बार फिर से देख लेते हैं. पेन, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, देन प्रिकलिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द एक्सट्रीमिटीज, लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज, फिंगर्स, डिजिट्स, नोज, फेस एंड ईयर्स. देन लो ब्लड प्रेशर, पैरास्थीसिस, टेंडरनेस एंड मसल पेन, मसल स्पाज्म, पैल्पिटेशंस, हार्ट रेट चेंजेस, ब्रेडीकार्डिया और टैकीकार्डिया कैन हैपन. देन स्वेटिंग एबनॉर्मेलिटी होगा, कार्डियक डिसरिथमियाज होगा, न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट को होगा. देन डिफिकल्टी इन आई मूवमेंट्स होगा, फेशियल मूवमेंट होगा, स्पीकिंग, चूइंग एंड स्वॉलोइंग, ये सारे पेशेंट को डिफिकल्टी होगा. देन कम्स टू द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम क्या क्या करेंगे, बिकॉज दिस इज अ नर्वस सिस्टम कंडीशन, तो वी हैव टू चेक फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन वेरी डीपली. तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री करेंगे, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री करेंगे, मेडिकेशन हिस्ट्री करेंगे, डायट्री हिस्ट्री करेंगे, क्योंकि डायट्री कैन ऑल्सो अफेक्ट द सिस्टम. अगर कोई कंटामिनेटेड फूड ले रहा है, प्रॉपर हाइजीनिक फूड नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला गया. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाने की वजह से पेशेंट पर्सन, अभी इम्यून सिस्टम को तो ये मालूम था ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए बॉडी को इतना ज्यादा स्टिमुलेट हो गई हमारी बॉडी एबनॉर्मली कि उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल कर ही दिया, बट नाउ द बॉडी और द इम्यूनिटी इज अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम. तो इसीलिए फूड कंटामिनेशन और फूड हैबिट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो मेडिकल हिस्ट्री, आप जो भी हिस्ट्री कलेक्ट करोगे मेडिकल हिस्ट्री में, पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट एंड प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, डायट्री हिस्ट्री, एनी टाइप ऑफ मेडिसिनल हिस्ट्री, फाइन. देन फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं पेशेंट के, क्योंकि पेशेंट को ए रिफ्लेक्सिया होगा, या पेशेंट को अगर बीबीई है तो उसको हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा. आपने ऑब्जर्वेशन करना है, फिर रिफ्लेक्शन करना है. रिफ्लेक्शन में भी आपको बॉडी मूवमेंट्स चेक करने हैं, बॉडी मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो किस ग्रेड्स चेक करने हैं, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, पेशेंट ओरिएंटेड है, डिसओरिएंटेड है, पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, नॉन रिस्पॉन्सिव है, ये सारी चीज़ें आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करनी है. उसके बाद आपने करना है लैब इन्वेस्टिगेशन. लैब इन्वेस्टिगेशन में आपने करना है NCE, नर्व कंडक्शन स्टडीज. तो नर्व कंडक्शन स्टडीज करना है आपने. उसके बाद आपने करना है CSF एग्जामिनेशन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन फॉर एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल, फंगल और माइक्रोबियल इन्फेक्शन.
देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करना है टू असेस द नर्व, सॉरी टू असेस द मस्कुलर कंडक्टिविटी, के मसल्स कितने ज्यादा एक्टिव है कितनी एक्टिव नहीं है. फॉर दैट यू हैव टू चेक फॉर द इलेक्ट्रोमायोग्राफी, दैट इज EMG. देन यू हैव टू चेक फॉर द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, बिकॉज पेशेंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया हो रहा है, पेशेंट को कार्डियक डिसरिथमियाज हो रहा है, इसीलिए वी हैव टू परफॉर्म द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना है. फिर उसके बाद में आता है आपका मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट में आपको तीन चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंटली आपको बताई हैं, कैसे कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को. मेडिकल मैनेजमेंट, दैट इज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फिर आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, और थर्ड आता है आपका डाइट नर्सिंग मैनेजमेंट. तो फर्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करना है प्लाज्माफेरेसिस. प्लाज्माफेरेसिस, तो प्लाज्माफेरेसिस इज अ प्रोसीजर इन विच द प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग सेपरेटेड. जो हमारा प्लाज्मा होता है, क्योंकि हमारे प्लाज्मा के अंदर ही हमारे ब्लड सेल्स डिजॉल्व होके रहते हैं, तो ब्लड को, जो प्लाज्मा है उसको ब्लड सेल्स से एक्सचेंज करना है, मतलब उसको दोनों को सेपरेट करना है. प्लाज्मा अलग करना है, ब्लड सेल्स को अलग करना है, प्लाज्माफेरेसिस करना है. प्लाज्माफेरेसिस करने से क्या होगा, क्योंकि हमारे प्लाज्मा के अंदर ही हमारी एंटीबॉडीज रहती हैं, तो व्हाट द जनरल मीनिंग ऑफ दिस प्लाज्माफेरेसिस इज, यू हैव टू रिमूव द एंटीबॉडीज फ्रॉम द बॉडी. तो इसका प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्माफेरेसिस. देन हाई डोज इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी, जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज, जो अफेक्टेड एंटीबॉडीज हैं उनको किल करेगा. देन मैकेनिकल वेंटिलेटर, क्योंकि पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, इसलिए वी हैव टू प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेटर और वेंटिलेटरी सपोर्ट वी हैव टू प्रोवाइड. देन पेन कंट्रोल, सीवियर पेन होगा इसीलिए यू हैव टू प्रोवाइड पेन कंट्रोल एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट. देन नर्सिंग मैनेजमेंट, नाउ यू हैव टू परफॉर्म नर्सिंग मैनेजमेंट. कैसे करोगे, ट्रीटमेंट इज नॉन स्पेसिफिक एंड सिम्टोमेटिक. तो जैसे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो डीजनरेटिव है, एक बार कोई भी डिजीज कंडीशन अगर वो आपकी ऑटो इम्यून से रिलेटेड नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन, इन्फेक्शस डिजीज कंडीशन है, ट्रॉमा है, ट्यूमर है किसी भी तरीके का, या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, तो उसको हम मेडिसिन के साथ में उसको ट्रीट कर सकते हैं. बट दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक डायग्नोसिस, मतलब पेशेंट को डीजनरेशन हो रहा है एंड इडियोपैथिक है. इडियोपैथिक मीन्स कोई भी पेशेंट का कॉज ही नहीं है, तो हमने जब कॉज ही नहीं पता है तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. जस्ट ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक, के पेशेंट को पेन हो रहा है तो वी हैव टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स, पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो वी हैव टू प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन, या पेशेंट को रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी करा सकते हैं. तो ट्रीटमेंट इज नॉन स्पेसिफिक, हर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट, सपोज आपके पास में 10 GB सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, तो हर किसी पेशेंट का जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि किसको क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स है वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और वी कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल्सो. समटाइम्स पेशेंट के सिम्टम्स भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, और पेशेंट का जो कॉजेज हैं वो तो इडियोपैथिक है, वो अननोन है, तो इसीलिए पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है. पेन के लिए मेडिकेशन दे सकते हैं, फिर सपोर्टिव मैनेजमेंट दे सकते हैं, पेशेंट को फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकते हैं. फाइन, तो दिस इज द ट्रीटमेंट इज नॉन स्पेसिफिक एंड ओनली बेस्ड ऑन द सिम्टोमेटिक्स. देन ऑब्जर्व कंटिन्यूअसली फॉर एडिक्वेसी ऑफ रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, यानी कि आपको चेक करना है कि पेशेंट का वेंटिलेटरी सपोर्ट कब हटाना है, या कब पेशेंट अपने आप ही प्रॉपर रेस्पिरेशन कर सकता है. तो दिस यू हैव टू ऑब्जर्व वेरी कंटिन्यूअसली. देन कंटिन्यू ECG मॉनिटरिंग, सपोर्टिव नर्सिंग केयर मेजर्स, पेशेंट को सपोर्टिव नर्सिंग केयर देना है, क्योंकि पेशेंट जो है वो पैरालिटिक कंडीशन में है, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस कंडीशन में है, पेशेंट की गेट मूवमेंट चेंजेस हो रहे हैं, मसल कोऑर्डिनेशन चेंज हो रहा है, मसल रिजिडिटी हो रहा है पेशेंट को, मसल स्पाज़म है, मसल पेन है, जिसके लिए हमें सपोर्टिव मैनेजमेंट देना है कि डोंट लीव द पेशेंट अलोन, या जब भी कहीं पे अगर घूमना भी है, थोड़ा सा वॉकिंग करना है, तो यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेशेंट, दैट इज नोन एज सपोर्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट. देन रेजिडुअल efforts are rare, but prolonged placid paralysis leads to muscle atrophy requiring rehabilitation and physiotherapy. तो अभी क्या हो रहा है कि पेशेंट को पैरालिसिस तो हो ही गया है, मतलब पेशेंट, क्योंकि दिस इज अ प्रोग्रेसिव कंडीशन जो धीरे धीरे बॉडी के फ्रॉम हेड टू टो सारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर रही है, और पैरालिसिस की कंडीशन आ रही है पेशेंट को. तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को किसी भी तरीके का
मसल एट्रोफी से बचाने के लिए, यानी मसल डैमेज से बचाने के लिए धीरे 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 हमें रिहैबिलिटेशन करना है एंड फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करना है ताकि वी कैन मेक द पेशेंट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो दिस इज योर नर्सिंग मैनेजमेंट एंड्स हियर. तो दिस एंड्स योर जीबी सिंड्रोम. तो क्या है जीबी सिंड्रोम एक बार फिर से जस्ट फॉर summary, we'll see. GB syndrome is a disorder in which the body's immune system attacks part of the peripheral nervous system. It is an acute progressive autoimmune inflammatory demyelination of the neurons. Fine. Then incidences mein kya hai? Only 1 or 2 cases are there in 1 lakh people annually, and men are more likely to be affected other than women. Then classification hai. Classification mein aate hai aapki 5 classifications hai iski. Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. Then second hai aapka Miller-Fisher syndrome. Third hai aapka acute motor axonal neuropathy. Fourth hai acute motor sensory axonal neuropathy. Then aata hai aapka acute pan-autonomic neuropathy. And last is Bickerstaff's brainstem encephalitis, that is BBE. Then we have seen clinical features. Clinical features में हम लोगों ने सारे sign and symptoms check किए हैं, जैसे pain होगा patient को, progressive muscle weakness हो रहा है, diminished reflexes हो रहे हैं patient को, prickling and tingling sensation हो रहा है, low blood pressure हो रहा है, paresthesis हो रहा है, then tenderness and muscle pain हो रहा है, muscle spasm हो रहा है, palpitation, heart rate changes, bradycardia, tachycardia, sweating abnormalities होगा, cardiac arrhythmias होगा patient को, neuromuscular respiratory failure होगा patient को, and difficulty in eye movement होगा, facial movements, speaking, chewing and swallowing. तो ये सारे हमारे clinical signs and symptoms होंगे. उसके बाद हम करेंगे diagnostic evaluation, जिसमें history collection करेंगे, physical examination करेंगे, nerve conduction studies होगी, CSF examination होगा, electromyography होगा, then ECG examination, pulmonary function test होगा. उसके बाद आता है last आपका management. Management में आपने क्या-क्या चीजें करनी है? Plasma ferresis करना है, high dose immunoglobulin therapy देना है, then mechanical ventilator, pain support and supportive management. तो ये खत्म हो गया आपका GB syndrome. किसी को कुछ पूछना है? Any questions? मैम नोट्स नोट्स आई प्रोवाइड टुडे. ओके मैम. ओके थैंक यू.